सो गाइस, वेलकम टू जियांसी कंसल्टेंसी। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सिस मोबाइल रिंग ऐप पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या उसके फीचर्स हैं और कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक्सिस डायरेक्ट की रिंग ऐप ओपन कर देनी है। यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को फंड कहाँ से ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ थ्री डॉट्स दिखते रहेंगे डैशबोर्ड के बाजू में, तो उसको हम लोग को क्लिक करना है और वहाँ आप देखेंगे कि आपको फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। फंड्स को भी हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे अवेलेबल फंड्स है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम लोग को कितनी अवेलेबल लिमिट है, टोटल लिमिट कितना जमा है, कितना मेरा पोजीशन है, वो सब कुछ यहाँ हम लोग को दिखेगा। अभी फंड आपको ऐड और विड्रॉ कहाँ से करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ऐड और रिलीज फंड है, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ ऐड और रिलीज फंड पे जाएंगे, नीचे आपको दिखेगा ऐड फंड और विड्रॉ फंड। हम लोग को किसी कोई भी अमाउंट ऐड करनी है हम लोग को सिंपल यहाँ डाल देनी है। आपकी रजिस्टर जो भी बैंक रहेगी उससे फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही विड्रॉल है कि विड्रॉल भी हम लोग को अमाउंट एंटर कर देनी है और विड्रॉल आपको नेक्स्ट दिन 9:30 बजे तक आपको विड्रॉल अमाउंट आपके बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए फंड ऐड और विड्रॉल कैसे करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे टिप्स दिखाते हैं वो कहाँ से दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग को वॉच लिस्ट में जाना है। ये देखिए, आप नीचे चार ऑप्शन दिए है, डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, इन्वेस्टिंग। तो हम लोग को यहाँ हम लोग को वॉच लिस्ट में जाना है। यहाँ हम लोग रिसर्च पे क्लिक करेंगे, तो रिसर्च में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस है, पोजीशन, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, अदर्स। इसमें भी सब सेक्शन भी बहुत सारे हैं। अगर हम लोग इंट्राडे में देखेंगे तो इंट्राडे डेरिवेटिव्स भी है और इंट्राडे इक्विटी भी है। इंट्राडे डेरिवेटिव्स में हम लोग को कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी हम लोग को लेना या बेचना है उसके कॉल्स आते हैं। और इक्विटी में हम लोग को इंट्राडे कौन सी इक्विटी शेयर्स लेनी है बेचनी है उसके कॉल्स आते हैं। सेम ऐसे ही पोजिशनल है कि पोजिशनल में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे पोजिशनल डेरिवेटिव्स है, पोजिशन इक्विटी है, BT/ST/BT है, एक्सिस अल्फा पोजिशन है, मंथली पिक्स है, फिर पोजिशनल डेरिवेटिव्स डे 5 से 15 दिन के बीच में कितना है, ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको कोई भी आप ऑप्शन पे जो भी आपको अच्छा लगे, अभी हम लोग एक्सिस अल्फा पे ज़्यादा वो ये करते हैं, तो एक्सिस अल्फा में देखेंगे तो यहाँ दो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको वो दिन के जो भी कॉल्स रहेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे और उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ देखेंगे कि आपको फ्रंट लाइन में ही LTP, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। फिर भी और भी ज़्यादा करना है तो आप क्लिक करेंगे वो स्टॉक पे, तो आपको पूरा यहाँ मैसेज दिख जाएगा, बाय सो एंड सो स्टॉक @ सो एंड सो, स्टॉप लॉस दिस एंड टारगेट दिस, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक ही साथ में वो पर्टिकुलर दिन में ही सब पोजीशन एक साथ में देखनी है तो हम लोग को कहाँ क्लिक करना है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक एरो है, यहाँ आपको एक आइकन दिखेगा, उस पर हम लोग को क्लिक करना है। हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे रिसर्च पे जाएंगे तो आपको वो पर्टिकुलर दिन की सारी रिसर्च मिल जाएगी। अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको नीचे दिखा देंगे कि पोजिशनल है, इंट्राडे है या अदर्स है, फीचर्स ऑन मीडिया है तो वो अदर्स में आएगा, वो सारी चीज़ दिखा देंगे। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से, आपको हम लोग पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन से ही और डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं और एप्लीकेशन की हेल्प से ही आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। अभी यहाँ समझो, यहाँ रिलायंस बाय करने के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा रिलायंस पे, ठीक है, यहाँ रिलायंस पे सीधा मैं बाय कर सकता हूँ, क्वांटिटी मुझे जो भी डालनी है मैं डाल सकता हूँ। अभी हम लोग बाय ऑप्शन और ई मार्जिन का भी देख ही लेते हैं साथ में कि कैसे लेते हैं हम लोग। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक हम लोग वॉच लिस्ट में कैसे डालते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर की साइड, तो यहाँ लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट है,
आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव्स ये सब हम लोग ने बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो निफ्टी और सेंसेक्स बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन में आते हैं। आपको नया अगर लिस्ट बनाना है तो आप हम लोग को प्लस साइन पे क्लिक करना है, क्रिएट अ वॉच लिस्ट, या मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट किया और उसका हम लोग को कुछ भी नाम डाल देना है, इंट्राडे मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, प्रोसीड। ठीक है, यहाँ इंट्राडे का वॉच लिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ हम लोग का वॉच लिस्ट ओपन हो गया। अभी ये वॉच लिस्ट में हम लोग को स्टॉक कैसे डालना है, तो यहाँ आप बीच में से भी डाल सकते हैं, दो ऑप्शन है, ऐड स्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहेगी तो ऐड स्क्रिप्ट, और दूसरा प्लस साइन से। तो हम लोग प्लस साइन से ये देखेंगे कि प्लस साइन पे हम लोग प्लस साइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा नीचे, तो हम लोग ऐड स्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग डालेंगे कि रिलायंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, यहाँ रिलायंस ऑल है, यहाँ आप कैश में भी देख सकते हो और एफ एंड ओ में भी देख सकते हैं। तो हम लोग ऑल पे ही क्लिक करते हैं, रिलायंस इक्विटी में हम लोग डालते हैं, तो यहाँ रिलायंस एडेड इन इंट्राडे, यानी इंट्राडे हम लोग का पर्टिकुलर वॉच लिस्ट का नाम है, आप कंफ्यूज मत होना, वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग को रिलायंस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अभी इसको हम लोग को बाय करना है, तो बाय के कितने ऑप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिलायंस पे क्लिक किया, हम लोग को कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी, या नीचे मैं बाय पे क्लिक करूंगा, बाय पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये पूरी विंडो ओपन हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि आपको मार्केट रेट पर लेना है, लिमिट रख के लेना है, डिलीवरी लेनी है या इंट्राडे लेना है, कैश एंड कैरी करना है यानी 100% कैश में देना है या ई मार्जिन पे देना है, वैलिडिटी आप छोड़ दो उसका कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कैश एंड कैरी और ई मार्जिन हम लोग करते। तो यहाँ समझो कि मैंने 100 रिलायंस लिया तो उसका मुझे पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैश में लिया तो मुझे 2712 का है तो मुझे 2,71,000 1200 समथिंग कुछ मुझे भरने पड़ेंगे, लेकिन वही चीज मैं ई मार्जिन में लेता हूँ। तो यहाँ आपको हम लोग को और एक आइकन यहाँ ओपन हो जाता है, ये देखिए नो योर मार्जिन। तो यहाँ मुझे मार्जिन कितना लगेगा 100 बाई करने के लिए, सिर्फ 73,246। और ये जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम लोग पहले स्टॉक लेते हैं और उसको प्लेज बाद में करते हैं, यानी पहले हम लोग अपना स्टॉक ले लेते हैं। जनरली क्या रहता है कि आप जूने स्टॉक को प्लेज कीजिए, उस पर आपको मार्जिन मिलता है और वो मार्जिन हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं नए स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन इसमें कैसा है कि पहले आप स्टॉक ले लो फिर उसको प्लेज करो, आपको सेम चीज ही लगेगी। तो यहाँ मुझे मार्जिन कितना लेना है 73,000 और 100 क्वांटिटीज, फिर सिंपल मुझे बाय 100 क्वांटिटीज पर ये क्लिक कर देना है। तो आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, वो कंफर्म करके आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको पर्टिकुलर लिमिट पे बाय करना है तो यार प्राइस आप यहाँ देखेंगे तो आपको प्राइस पे जो भी प्राइस पे आपको लिमिट रखनी है वो लिमिट रख के आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर ये है कि ई मार्जिन में हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं। मैं वापस आपको एक बता देता हूँ कि ये जो कोई भी स्टॉक पे जो स्टॉक आपको लेने हैं उस पर क्लिक करिए, उस पर बाय पे क्लिक जाइए, बाय पे आपको यहाँ सी एन सी और ई मार्जिन का ये दिखेगा ऑप्शन दिखेगा टाइप में, उसको हम लोग को ई मार्जिन में अगर आपको लेना है तो ई मार्जिन पे क्लिक करना है, नो यो मार्जिन पे क्लिक कर देना तो आपको वो पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कितना मार्जिन लगेगा वो दिखेगा, और हम लोग को बाय या सेल पे जो भी करना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, हम लोग ने रिसर्च कहाँ से देखा, फिर वॉच लिस्ट कैसे बनाया और वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे ऐड किए और स्टॉक को हम लोग ने बाय कैसे किया। अभी समझो आपको पोर्टफोलियो देखना है, तो पोर्टफोलियो में यहाँ आपको दो ऑप्शन है, एक एक अपना खुद का पूरा पोर्टफोलियो में रहेगा, उसमें सभी कुछ आ जाएगा, जितने भी इक्विटीज है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, वो सब कुछ यहाँ आपको
लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएगा। और दूसरा है पोजीशन, ये पर्टिकुलर स्टॉक के पोजीशंस रहते हैं, यानी इसमें सिर्फ स्टॉक ही रहेंगे जो बीएससी एनएससी में ट्रेड होते हैं। तो अभी ये स्टॉक को अगर आपको बेचना है, अभी ये एसबीआई कार्ड है, मैंने मेरा बाई प्राइस है 742, अभी मुझे सेल करना है तो यहाँ मुझे एग्जिट पर क्लिक करना है और एग्जिट पे मुझे लिमिट पूछेगा या तो मार्केट करके पूछेगा। तो मैं यहाँ लिमिट जो भी डालना है वो रेगुलर मार्केट में, चालू मार्केट में मैं वो लिमिट डाल दूंगा और सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पर हम लोग को सेल का बॉर्डर हो जाएगा। और आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा, यहाँ अभी हम लोग वीडियो एंड करेंगे, कोई भी क्वेरी रहेगा तो बेझिझक मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए है। हम लोग कोई चार्ज नहीं करते व्हाट्सएप पर, जो भी हम लोग एडवाइस देते हैं उसका, ना ही आपको कोई एडिशनल चार्जेस मांगते हैं। सो बेफिक्र रहिए, हम लोग के साथ में जुड़े रहिए और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।